हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। लॉकडाउन की वजह से देश भर में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए पलायन कर रहे हैं। घर जाने का संघर्ष जारी है, लेकिन हरियाणा की कहानी चौंकाती है। वहां रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। हरियाणा सरकार को यूपी और बिहार के करीब 1 लाख ऐसे मजदूरों के आवेदन मिले हैं जो घर वापस आकर काम पर लौटना चाहते हैं। एक तरफ दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते मजदूर हैं, तो दूसरी तरफ वो कामगार जो काम पर लौटना चाहते हैं। दूसरे राज्यों से हरियाणा में काम पर लौटने के लिए 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने आवेदन किया है, जो श्रमिक लॉकडाउन और उससे पहले हरियाणा से चले गए थे। अब वो हरियाणा में काम के लिए वापस आना चाहते हैं। यूपी और बिहार के रहने वाले कामगारों ने हरियाणा सरकार के वेब पोर्टल पर आवेदन किया है। उनमें 79.29% गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर और रेवड़ी लौटना चाहते हैं। जो हरियाणा में यहाँ चाहते हैं, उन्होंने जो हमारी पोर्टल है उस पर उन्होंने रजिस्टर किया है कि वो हरियाणा में आके काम करना चाहते हैं, और उसके लिए अब हम उनकी कंसर्न जो सरकारें हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो NOC देंगे तो हम इनको लाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के बीच ढील भी दी है और छूट मिलने के बाद कई फैक्ट्रियां और उद्योग दोबारा शुरू हो गए हैं। साथ ही लोगों के वापस काम पर लौटने की एक वजह हरियाणा का कोरोना से कम संक्रमित होना भी है। हरियाणा में कोरोना से करीब 650 लोग संक्रमित हैं और अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ 2 ही जिले यहाँ पर रेड जोन है और 18 जिले ऑरेंज जोन में है, जबकि 2 जिले पूरी तरह सुरक्षित है यानी ग्रीन जोन है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज्यादा दी गई है। उस ढील के आधार पर बहुत से उद्योग शुरू हो चुके हैं और उन उद्योगों में अब काम शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार की माने तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के निवेशक भी हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं, और 60 कंपनियों ने हरियाणा में अपनी रुचि दिखाई। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है, इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। अंबाला की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही अभी भी दिख रही है, लेकिन अभी भी हरियाणा में रुके हुए हजारों मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं। लगभग 8 लाख लोगों ने जाने के लिए रजिस्टर किया है, उनका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, बसों का इंतजाम कर रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये पैदल या साइकिल पे जाने की कोशिश मत करें। हालांकि अभी इन मजदूरों की आवाजाही पर बाकी राज्यों के NOC की जरूरत है, जिसके बाद ही कामगारों को हरियाणा में एंट्री मिल सकेगी।